टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जवाब नहीं। चीते की चाल, बाज की नजर और धोनी के शिकार पर अब कोई संदेह नहीं करता। जी हां, धोनी फिलहाल क्रिकेट से दूर हैं, लेकिन इसके बाद भी आज जो रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं उसमें धोनी बाजी मारते दिखाई देते हैं। अब हम साल नहीं बल्कि दशक की बात करने लगे हैं। साल 2019 खत्म हो चुका, 2020 में नए रिजोल्यूशंस के साथ लोगों ने शुरुआत भी कर दी। इस पूरे दशक में विकेट कीपरों की बात की जाए तो 10 साल बाद तो आंकड़े सामने आए, उसमें साफ पता चलता है कि लगातार धोनी का ही राज रहा है। धोनी के आगे की बात तो छोड़ दीजिए, कोई धोनी के आसपास भी नहीं है। माही ने इस दशक में सबसे ज्यादा शिकार अपने नाम किए हैं। ऐसे में धोनी ने 10 साल तक लगातार क्या करिश्मा किया, ये हम आपको इस खास रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। दरअसल इस वक्त करीब 38 साल के हो चुके पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इस दशक में 196 वनडे खेले हैं और इसमें 242 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है। धोनी ने 170 खिलाड़ियों को विकेट के पीछे कैच किया और साथ ही 72 खिलाड़ियों को स्टंप आउट किया। इस तरह से यह आंकड़ा 242 तक जा पहुंचा। ये आंकड़े जनवरी 2010 से लेकर दिसंबर 2019 के बीच के हैं। हालांकि इस दौरान पिछले करीब 6 महीने से तो धोनी खेल ही नहीं रहे। अगर वो खेल रहे होते तो ये आंकड़ा ज्यादा नहीं तो कम से कम 250 को तो पार कर ही जाता। बड़ी बात यह है कि धोनी ने पहली बार भारत के खाते में इस तरह का रिकॉर्ड दर्ज कराया है। इससे पहले कभी कोई भारतीय विकेटकीपर ऐसा कारनामा नहीं कर सका। अभी तक इस सूची में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का ही दबदबा हुआ करता था। पिछले दशकों में कब किसने सबसे ज्यादा शिकार अपने नाम किया ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं कि इस दशक में धोनी के बाद सबसे ज्यादा शिकार किसने किए। तो इसमें इंग्लैंड के विकेटकीपर जॉस बटलर का नाम आता है। इंग्लैंड के विश्व विजेता विकेटकीपर जॉस बटलर ने इस पूरे दशक में 142 मैचों में 171 कैच और 31 स्टंपिंग किए हैं। इस तरह से उनका आंकड़ा 202 तक पहुंचा जा रहा है। साल 2015 में ही क्रिकेट से रिटायर होने वाले दिग्गज बल्लेबाज कुमार संगकारा इस सूची में तीसरे पायदान पर हैं। उन्होंने 142 मैचों में 188 शिकार किए। हम आपको अब ये बताने जा रहे हैं कि 1970 के दशक से लेकर अब तक किस खिलाड़ी ने किस दशक में रिकॉर्ड अपने नाम किया, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि कम से कम 70 के दशक से लेकर अभी तक किसी भी भारतीय खिलाड़ी का नाम पहले नंबर पर शिकार करने में नहीं रहा। इससे पहले दो दशक तक तो ऑस्ट्रेलिया विकेटकीपरों पर इस नंबर पर कब्जा हुआ करता था। धोनी के कारण ही ये रिकॉर्ड इस दशक में भारत के नाम हुआ। ऐसे में सन 2000 की बात की जाए तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट ने 211 मैचों में 362 शिकार अपने नाम किए थे। ये वो भी किसी भी दशक में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले विकेटकीपर हैं। धोनी भले इस नंबर पर नंबर वन हो, लेकिन एडम गिलक्रिस्ट को वो पीछे नहीं छोड़ता है। एएनपी न्यूज रूम की रिपोर्ट।